सो हेलो गाइस, वेलकम टू द 17th वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एक रेंज लेंगे और उस रेंज के अंदर जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हैं उसे हम प्रिंट करेंगे। तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या है वो देखने के लिए आपको जो है 16th वीडियो जो है इस ट्यूटोरियल का वो एक बार आप देख लीजिए, तो एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो फॉर अ चेंज हम इस बार जो है कोड लिखेंगे इन द पाईचार्म आईडी, नॉट इन द आइडल शेल। तो अगर आपको न्यू पाइथन फाइल यहाँ पे बनाना है तो सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द इनपुट फॉर द अपर एंड द लोअर रेंज, क्योंकि हमें यूज़र से ये पूछना है कि आपका जो रेंज है वो क्या है जिसके बीच के आपको एमस्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो यहाँ हमने यूज़र से जो है इनपुट ले लिया है, इसके बाद हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा ताकि जो नंबर्स है वो वन बाय वन इंक्रीमेंट हो और आगे के कोड के अंदर वो जाए, ताकि वो चेक कर सके कि दैट वेदर दैट नंबर इज़ अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का सिंटेक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ, दैट इज़ अ टेम्पररी वेरिएबल फॉर लाइक फॉर नंबर, एंड कीवर्ड यूज़ करता हूँ इन रेंज का विच इज़ पाइथन स्पेसिफिक। और इसके बाद मैं इसके अंदर लिखता हूँ लोअर जो हमें यूज़र से मिलेगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे अपर जो कि इसका अपर लिमिट होगा वो भी हमें यूज़र से मिलेगा, एंड इट शुड गेट इंक्रीज्ड बाय वन, और इसे कर देंगे इंडेंट। इसके बाद हमें जो नंबर है उसका ऑर्डर पता करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर मेरा जो है वो है 371, तो उसका ऑर्डर है 3। तो अगर मेरा नंबर 1000 से ऊपर है तो फॉर एग्जांपल इट इज़ 1500, तो इसका ऑर्डर है 4। तो वो हमें क्यों पता करना है वो हमें आगे के कोड में समझेगा। एक ऑर्डर का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज़ ऑर्डर इक्वल टू str ऑफ नंबर। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा दैट विल बी इन द लूप। फॉर एग्जांपल अगर वो 500 है तो पहले उससे जो है यहाँ पे str फंक्शन जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद जो लेंथ का वैल्यू है वो उससे हमें लेंथ मिल जाएगा। तो अगर वो 500 है तो इसका लेंथ जो है ऑर्डर के अंदर डाल देगा इक्वल टू 3। अगर वो अबाव 1000 है, फॉर एग्जाम्पल 1111 है, तो यहाँ पे ऑर्डर का वैल्यू हो जाएगा 4। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ सम। तो यहाँ पर हम सम को इनिशियलाइज कर देते हैं जस्ट लाइक द प्रीवियस कोड। तो सम इज इक्वल टू 0 होगा इन द स्टार्ट। बाद हमें जो है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ईच डिजिट जस्ट लाइक द लास्ट कोड। तो लास्ट कोड में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने जब वाइल लूप के अंदर टेम्पररी वेरिएबल जो है एंटर करता है, उसके बाद उसे डिजिट जो मिलता है, उसके बाद वो डिजिट को जो था वो 3 के साथ उसे रेस कर रहा था। मतलब अगर जो डिजिट फॉर एग्जांपल 3 था तो उसे 3 × 3 × 3 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने ये कोड में ऑर्डर इसलिए लिखा है क्योंकि जो नंबर का रेंज है, जो अपर लिमिट है, दैट कैन बी ग्रेटर देन अ 3-डिजिट नंबर, दैट कैन बी ग्रेटर देन 999। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया है। तो सपोज अ 4-डिजिट नंबर रहेगा तो उसका भी वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो इसके बाद हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें चेक करना है वेदर द नंबर इज इक्वल टू द सम, और उसे अगर वो इक्वल है तो उसे प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नम इक्वल टू सम इंडेंट प्रिंट नम। हमारा कोड जो है वो खत्म हो गया है। तो इसके बाद हम इसे एक बार सेव करके देखते हैं कि वेदर द कोड इज रनिंग और नॉट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रन पे क्लिक करना है एंड रन एमस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है आपको लोअर जो है रेंज, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे जो है हमें लोअर रेंज पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जांपल, और फिर मैं यहाँ पे अपर रेंज डालता हूँ, दैट इज 10,000। तो हमें 100 और 10,000 के बीच में जितने भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। मैंने इसे एक बार रन कर दिया है तो फिर से यहाँ पे लोअर रेंज पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे अब इस बार कुछ और रेंज डालता हूँ लाइक 1,500, और फिर से अपर रेंज पूछ रहा है तो मैं डाल देता हूँ 7,000। सो या 1,500 और 7,000 के बीच में हमें सिर्फ एक ही एमस्ट्रॉन्ग नंबर मिलता है। सो आई होप कि आपको ये जो कोड है टू फाइंड आउट ऑल द एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स विद इन अ रेंज समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोड के अंदर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।